चाणक्य उल्लासनगर में रिहायशी इमारत का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा, 7 लोगों की मौत। रात करीब 9 बजे हुआ हादसा, 5वीं मंजिल का स्लैब नीचे गिरा, मची चीख पुकार। 5वीं मंजिल का स्लैब चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली मंजिल की छत को तोड़ते हुए नीचे आया। करीब 26 साल पुरानी साई सिद्धि इमारत में रह रहे थे 29 परिवार, कुछ लोग घायल भी हुए। बीती रात मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसे में एक की मौत, एक घायल, टेम्पो ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात के को लेकर उपजे विवाद का दिखा असर, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस बुलाया। कल पीएम मोदी संघ बैठक में देर से पहुंचे थे अल्पन, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम ममता की मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद अल्पन को भेजा गया दिल्ली वापसी का फरमान। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ज्वाइन करने के लिए कहा गया, 31 मई तक ज्वाइनिंग की डेट। ममता सरकार ने मुख्य सचिव अल्पन के तबादले पर मांगा वक्त, 3 महीने के एक्सटेंशन की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तूफान यास पर पश्चिम बंगाल में की थी समीक्षा बैठक, मीटिंग में 30 मिनट देरी से पहुंची थी सीएम ममता, रिपोर्ट सौंपकर फौरन हो गई थी रवाना, दीघा में बैठक का दिया था हवाला। ममता बनर्जी ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र से मांगे 20,000 करोड़ के राहत पैकेज, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को दिए 500-500 करोड़ का राहत पैकेज। पीएम मोदी की बैठक से ममता की दूरी पर भड़के जेपी नड्डा, कहा यह संवैधानिक नीति और संघवाद की परंपरा की हत्या। पीएम मोदी के साथ बैठक में ममता के शामिल नहीं होने पर राज्यपाल धनखड़ का ट्वीट, लोकतंत्र में ऐसे विरोध की कोई जगह नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साधा ममता पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार पीड़ादायक। पीएम मोदी के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी, कहा लोगों के प्रति असंवेदनशील ममता भारत के संघवाद के लिए काला दिन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, सोमवार से दिल्ली में धीरे धीरे शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया में सबसे पहले गरीब तबके के हितों का रखा जाएगा ख्याल। सीएम केजरीवाल ने कहा दिहाड़ी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियों को सोमवार सुबह अगले एक सप्ताह के लिए खोला जाएगा। केजरीवाल के मुताबिक अनलॉक के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना केस में इजाफा न हो, अगर ऐसा हुआ तो फिर से लॉकडाउन पर हो सकता है विचार। दिल्ली में लॉकडाउन हटाने को लेकर बाजार संघों और विपक्षी राजनीतिक दलों को केजरीवाल सरकार पर है दबाव, दिल्ली में बाजार दफ्तर खोलने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस नेता आज उपराज्यपाल अनिल बैजल से करेंगे मुलाकात, राजधानी में लॉकडाउन हटाने का मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में भी जून के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती अनलॉक की प्रक्रिया, योगी सरकार भी चरणबद्ध तरीके से अनलॉक पर कर रही विचार। यूपी में अनलॉक के दौरान भी नाइट कर्फ्यू जारी रखने पर हो रहा है विचार, अगले 24 घंटे में योगी सरकार इस बारे में कर सकती ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन ढील की बढ़ी उम्मीद। देश भर में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर, दिल्ली छोड़ ज्यादातर राज्यों में घटे मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 20,740 नए केस, 424 ने गवाई अपनी जान। यूपी में भी नए मामलों में आई कमी, एक दिन में 2,402 मामले, कोरोना से 159 की जान गई। दिल्ली में कोरोना केस में मामूली बढ़ोतरी, 24 घंटे में 1,141 नए मामले, 139 की मौत। मुंबई में भी कोरोना की दूसरी लहर में सुस्ती, 24 घंटे में 929 नए केस, 30 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 2,648 मरीज, 78 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, दक्षिण के इस राज्य में आ रहे सबसे ज्यादा मरीज। यूपी में बढ़ता जा रहा ब्लैक फंगस का खतरा, लखनऊ के केजीएमयू में अब तक बीमारी के 194 रोगी भर्ती। दिल्ली एनसीआर में 177 बच्चे पोस्ट कोविड 19 के मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम से प्रभावित,
सिर्फ दिल्ली में 109 बच्चे पोस्ट कोविड-19 के मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से प्रभावित। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 68 बच्चों में पाए गए ऐसे लक्षण। 6 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चे पोस्ट कोविड बीमारी MIS-C से ग्रसित। 5 साल से 15 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। डॉक्टर्स के मुताबिक पोस्ट कोविड बीमारी MIS-C ग्रसित बच्चों में निमोनिया या फिर शरीर में सूजन और जलन की हो सकती शिकायत। जल्द पहचान होने से इलाज में होती आसानी। इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में देश में 2000 बच्चे पोस्ट कोविड बीमारी से ग्रसित। नोएडा सेक्टर 137 स्थित फेलिक्स अस्पताल में आज शुरू की 24 घंटे की वैक्सीनेशन सेवा। दिल्ली NCR में किसी प्राइवेट अस्पताल में ऐसी पहली सुविधा। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना युद्ध स्तर पर जुटी। देश के अलग अलग हिस्सों में विमान से पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिशन में कारगर साबित हो रहे वायुसेना के C-17 और IL-76 विमान। हिंडन एयरबेस पर C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स से आज तक ने की बात। हमारा काम यह है कि ये जो पूरा सर्कल है, जो ये ट्रक्स का सर्कल है, जहाँ पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचानी है, जल्दी से जल्दी ये हो सके। अंबाला में सफाई कर्मचारियों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज। कहा, अच्छे अभिनेता हैं शिवराज, महानगर मुंबई से मध्य प्रदेश को दिला सकते हैं पुरस्कार। कमलनाथ के तंज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, बोले, मानसिक संतुलन खो चुके कमलनाथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियमित समीक्षा बैठक की शुरुआत की। सभी जिलों को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। फरीदकोट में सेना की मैकेनिकल टीम पहुंची गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज, खराब वेंटिलेटर्स को रिपेयर किया। पुंछ में कोरोना को लेकर सेना का जागरूकता अभियान, कोरोना थीम पर बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। इंदौर में सरकारी अस्पताल में युवराज फाउंडेशन ने मुहैया कराया कोरोना से जुड़ी क्रिटिकल केयर फैसिलिटी। 100 ऑक्सीजन बेड के साथ ही तमाम जरूरी इंतजाम। मध्य प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक विवाह समारोह में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, 2 लाख का जुर्माना। हैदराबाद पुलिस का कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, खास हेलमेट पहनकर लोगों में भरा कोरोना का खौफ। हैदराबाद में रोज कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे करीब 8,000 मामले। हिमाचल में कोरोना काल में हजारों टैक्सी ड्राइवर्स को संकट, हुए बेरोजगार। व्हाट्सएप विवाद पर पहली बार बोले कानून और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संदेश का स्रोत जानना जरूरी। रविशंकर प्रसाद ने दी सख्त चेतावनी, कहा, विदेशी कंपनियों को मानना होगा भारत का कानून, गलत आलोचना पर एक्शन लेगी सरकार। टूल किट मामले में ट्विटर के खिलाफ सख्त सरकार, रविशंकर प्रसाद ने कहा, पुलिस कर रही है मामले की जांच, विदेशी कंपनी को करनी होगी मदद। सोशल मीडिया पर नियमों की पाबंदी के बीच ट्विटर के नोडल और शिकायत ऑफिसर के तौर पर वकील की नियुक्ति की खबर, लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक ट्विटर ने अभी तक मंत्रालय को नहीं सौंपा है ब्यौरा। केंद्र सरकार के मुताबिक ट्विटर नियमों की कर रहा है अनदेखी। नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी निश्चित तौर पर भारत का निवासी और कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए। भगौड़े हीरा कारोबारी मेल चौकसी केस में डोमिनिक कोर्ट ने सुनवाई टली, बुधवार को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने पहले प्रत्यर्पण पर लगाई थी रोक। मेहुल चौकसी को फिलहाल 5 दिन उसकी पसंद वाली जगह पर क्वारंटीन किया जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा। चौकसी को एंटीगुआ का बारबुडा भेजे जाने की उम्मीद। कल सुनवाई के दौरान मेहुल चौकसी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, चौकसी के वकील हुए हाजिर। मेहुल चौकसी हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से फरार हुआ था, इंटरपोल के येलो नोटिस के बाद पड़ोसी डोमिनिक में हुई थी गिरफ्तारी। भारत में 13,500 करोड़ के बैंक घोटाले केस में आरोपी है मेहुल चौकसी। CBI और ED को है चौकसी की तलाश। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर यूसुफ लकड़वाला को किया गिरफ्तार। 50 करोड़ की संपत्ति घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला। रेसलर सागर की हत्या के बाद न्याय की गुहार कर रहा परिवार, दोषी को सख्त सजा देने की मांग। परिजनों ने दिखाए सागर के जीते हुए मेडल्स।
मृतक क्रिस्टर सागर के चाचा अनंत सिंह का बयान, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से हूं संतुष्ट, दिल्ली पुलिस के हाथ लगी वीडियो क्लिप का किया जिक्र। पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई इतना अच्छा कर रही है कि हम उसकी सराहना जितनी भी करें उतनी कम। सागर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने रेसलर सुशील कुमार और उसके कुछ साथियों को किया गिरफ्तार, सागर की पिटाई का वीडियो भी सामने आया। दिल्ली के सागर मर्डर केस में एक और आरोपी विजेंद्र गिरफ्तार, अब तक 9 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी विजेंद्र का कबूलनामा, सुशील कुमार के कहने पर सागर को पीटा। कोलकाता में देसी बम मिलने से हड़कंप, निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। बागपत में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में नहाने के लिए उतरे 3 बच्चों की डूबने से मौत। कैमूर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, हिरासत में ले गए 5 लोग। अलीगढ़ जहरीली शराब केस में 3 एक्साइज ऑफिसर सस्पेंड, जहरीली शराब से 17 लोगों की गई जान। यूपी में शिक्षक भर्ती में सामने आया घोटाला, 6,900 सहायक शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर आरक्षण घोटाला। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, साल 2019 में की गई थी भर्तियां। मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड, 400 पुलिसकर्मी हुए शामिल। मुंबई के गोरेगांव इलाके में तेंदुए की दहशत, एक अपार्टमेंट में आया नजर। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बुलढाणा में 17 लाख रुपए के प्रतिबंधित गुटखे की सप्लाई, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में अंडे को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल, भारी पुलिस बल की तैनाती। सुकमा में गिरफ्तार नक्सल कमांडर की कोरोना से मौत, पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। कटिहार में अस्पताल में जलभराव का संकट, लेकिन मुसीबत के बीच डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दिखे मुस्तैद। जालौर में सरपंच की पहल पर स्कूल में खोला गया स्थायी अस्पताल, कोरोना के खतरे को देखकर बीमार अस्पताल में नहीं करा रहे थे इलाज। बाड़मेर में खुलेआम घूम रहे हैं गैंगरेप के आरोपी, पीड़िता 2 महीने से लगा रही है पुलिस स्टेशन के चक्कर। अरुणाचल प्रदेश में निहालगुन में 1.5 लाख की हेरोइन बरामद, तस्कर गिरफ्तार। वाराणसी में घर से भागे प्रेमी जोड़े की पुलिस ने करवाई शादी, थाने में निभाई रस्में। चंदौली में होम्योपैथ डॉक्टर की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी हत्या। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पताल में की बदहाली से कैदियों में खौफ, पैरोल मिलने के बाद भी गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आने को तैयार नहीं 4 कैदी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पकड़ा नशीली दवाओं से भरा ट्रक, पोंटस साहिब की एक दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के फतेहपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश, डकैती की 2 वारदातों में तलाश। गोपालगंज में मूसलाधार बारिश में हो रही शराब की सप्लाई, 7 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंची, 3 गिरफ्तार। झारखंड के गुमला नक्सली माधव भगत गिरफ्तार, पुलिस ने किया था 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले में 16,97,00,000 पार, अब तक 35,27,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। ब्रिटेन में अनलॉक की प्रक्रिया अधर में अटकी, नए कोरोना वेरिएंट B.1.617 ने बढ़ाई चिंता, पिछले सप्ताह 3,535 से बढ़कर 6,959 कोरोना मामले। इंग्लैंड में स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक कोरोना के 3/4 नए केस के पीछे नया कोरोना वेरियंट। जापान में 50 दिन बाद होने जा रहे ओलंपिक को देखते हुए बढ़ाई गई कोरोना इमरजेंसी, नियमों में जुलाई से संक्रमण में तेजी की थी आशंका। ओलंपिक के पहले फिलीपींस ने एथलीट सहित पूरी टीम और स्टाफ का कराया टीका, 500 से अधिक लोगों को चीन की सिनोवैक वैक्सीन की पहली डोज।